हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास नाइन्थ की सिविक्स को। क्या पढ़ रहे थे? क्लास नाइन्थ की सिविक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सिविक्स का, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने डेमोक्रेसी क्या होता है उसको समझा, डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स को समझा। उसके बाद हम लोगों ने व्हाई डेमोक्रेसी, कि हमने और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को क्यों नहीं अडॉप्ट किया, हमने डेमोक्रेसी को ही क्यों अडॉप्ट किया। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब देने के लिए हम लोगों ने डेमोक्रेसी आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट अगेंस्ट फॉर डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के अंडर में पढ़ा। सारी चीज़ें हम लोगों ने प्यारे बच्चों समझ ली हैं। पूरा चैप्टर का जो मेन हमारा ये जो ब्रॉड टॉपिक्स थे वो हो गए हैं फिनिश। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आई होगी, कि जो डेमोक्रेटिक हम लोगों ने फीचर्स पढ़े, जो आर्गुमेंट जो फेवर में थे डेमोक्रेसी के उनको जो पढ़ा, और जो आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थे उनको जो हम लोगों ने पढ़ा, वो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग अपने इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि यहाँ पर हम लोग डेमोक्रेसी की एक ब्रॉडर मीनिंग को समझने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में क्या बातें बोली गई, उसके फेवर में क्या बातें बोली गई, ये बातें बताई गई हैं। लेकिन डेमोक्रेसी केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि हाँ दो चार फीचर्स में ही लिमिटेड है, उसके अगेंस्ट में लोगों ने बात कर दी, कुछ उनके फेवर में लोगों ने बात कर दी, बस डेमोक्रेसी ख़त्म। डेमोक्रेसी केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। डेमोक्रेसी अपने में एक बहुत ब्रॉड मीनिंग लेकर के चलती है। अगर हम उसको देखने को चलेंगे तो बहुत वाइड एरिया, ठीक है, बहुत ही वास्ट एरिया है, जिसको अगर आप समझने बैठोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप उसके अंदर डूबते चले जाओगे, और तभी आपको डेमोक्रेसी का सही मतलब समझ में आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को जो चार डेफिनेशन, चार फीचर, चार एडवांटेज या चार डिसएडवांटेज वो जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, केवल उतने में ही सीमित नहीं है। वो सारी चीज़ें बस आपको एक क्या बता रही थी, रूपरेखा बता रही थी, एक स्ट्रक्चर बता रही थी कि हाँ डेमोक्रेसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से हमारी कुछ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इसी बात को पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्ट डेमोक्रेसी की ब्रॉडर मीनिंग क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस चैप्टर की जो लास्ट टॉपिक है और जो ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी का, उसको करते हैं डिस्कस। तो इन डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी कैन आइडेंटिफाई अ क्लियर सेटअप ऑफ मिनिमल फीचर डैट अ डेमोक्रेसी मस्ट है। अब क्या है डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वी कैन आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स डैट अ डेमोक्रेसी मस्ट है। और हम लोगों ने अभी तक डेमोक्रेसी के कुछ मिनिमल फीचर्स को पढ़ा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ एग्जैक्ट डेमोक्रेसी ये होती है, ठीक है। मतलब क्या है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमें एक मिनिमल फीचर प्रोवाइड करती है, जिसको देख करके हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है कि नहीं है। बात समझ में आई? द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इस समय हमारे जो प्रेजेंट में जो डेमोक्रेसी का फॉर्म चल रहा है, वो कॉमन फॉर्म चल रहा है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या चल रहा है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारा इस समय का प्रेजेंट कह सकते हो कि डेमोक्रेसी का फॉर्म चल रहा है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी है वो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो कहने का क्या मतलब बच्चों, पहली चीज़ तो हमने समझा कि डेमोक्रेसी उन चार फीचर्स में, चार एडवांटेज डिसएडवांटेज तक ही सीमित नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमें कुछ बेसिक और कह सकते हो डेमोक्रेसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ बेसिक और मिनिमल कह सकते हो फीचर्स प्रोवाइड करती है, जिसको देख करके हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसी चल रही है इस समय, मतलब उसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात की जाए डेमोक्रेसी की, तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव
डेमोक्रेसी। कैसी डेमोक्रेसी है हमारी इस समय की? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती क्या है, अगर उसकी बात की जाए तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल रूल थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉट डायरेक्टली। अब यहाँ क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसा कि हमारे यहाँ होता है, हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वोट करने जाते हैं। वोट करने के बाद एक पर्सन क्या होता है, इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में जाता है और वो हमारे लिए, ठीक है, डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेसी होती है वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, कि कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। फिलहाल तो हम लोग ने डेमोक्रेसी का मतलब ये समझा, टू द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, ये जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन है वही लोकतंत्र कहलाता है हिंदी में बात की जाए तो। तो यहाँ पे सारी चीज़ आप देखोगे तो कैसी है, पीपल सेंट्रिक है, यानी सारी चीज़ें जो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी है वो कहाँ पर है, पीपल सेंट्रिक है। तो यहाँ पे जनता जनार्दन ही है, ठीक है, जनता ही सर्वोपरि है। तो जनता यहाँ पे क्या करती है, जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है, डेमोक्रेसी में। जनता क्या करती है, अपने ही बीच में से किसी एक को चुनती है, जो इलेक्ट होता है उसको कहाँ भेजती है, पार्लियामेंट जाता है और वो हमारे लिए क्या लेता है, डिसीजंस लेता है। और वो जो हम ही में से कोई चुन करके जो पर्सन पार्लियामेंट में गया है वो हमारा क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। और वही रिप्रेजेंटेटिव हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ बताई गई है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल रूल थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू क्या किए जाते हैं, रूल्ड किए जाते हैं, ठीक है, उनके थ्रू क्या किए जाते हैं, रूल किए जाते हैं और वो खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पॉलिटिक्स में। ऐसी जो डेमोक्रेसी होती है वो हमारी कैसी, क्या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है। आई बात समझ में, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का फॉर्म क्या चल रहा है इस समय और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है। तो डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमें आइडेंटिफाई करता है, कुछ सेटअप फीचर्स देता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, देख करके समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी है कि नहीं है, ठीक है। एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने कंट्री की व्यवस्थाओं को देख करके बता सकते हैं कि हाँ हमारे देश, हमारा देश में डेमोक्रेटिक है कि हमारा नॉन डेमोक्रेटिक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें एक कॉमन फॉर्म चल रहा है हमारा डेमोक्रेसी का, जो कि है हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, कि जिसमें जो जनता होती है वो अपने ही द्वारा इलेक्ट किए गए पीपल्स के, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो जनता होती है वो अपने रूलर को इलेक्ट करती है और वही रूलर उनको, उन पर रूल करता है और उनके लिए जो मेजर डिसीजंस हैं उनको लेता है, ठीक है। और जो जनता होती है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता क्या है उसकी बात की गई है, ठीक। तो अब आगे की बात की जाए, अगर हम इसकी और आगे की बात करेंगे तो आगे की अगर हम बात की जाए तो वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ नेसेसरी, क्यों रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ज़रूरी है, ठीक है, क्यों। चलो अच्छी बात है, हमें एक फीचर प्रोवाइड हो रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी कि नहीं है, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी का कॉमन फॉर्म चल रहा है। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों नेसेसरी है, तो उसकी बात की जाए तो यहाँ पे कुछ हम बातों को समझ करके बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, उसी से मैं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहली पॉइंट आपको इसके फेवर में जो दी गई है क्यों ज़रूरी है, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टूगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। पहली चीज़ क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है आप जानते हो कि आप पहली चीज़ समझ लो कि जो इस समय हमारी डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक, अच्छी बात है। क्यों रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चल रही है, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है इतनी ज़्यादा है कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो सबकी सब क्या कर सके, डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सके पॉलिटिक्स में, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सेटअप किया गया है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो चलिए मान लीजिए किसी तरीके से हमने एग्री कर लिया सबको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, आप इतनी बड़ी जनता जनार्दन को बैठाओगे कहाँ, ठीक है। तो वही चीज़ है, फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम
टू सिट टुगेदर, एक साथ बैठाना फिजिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, पहली चीज़ तो आया कि इतनी बड़ी जनता है उनको पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, तो आप उनको लाओगे कैसे? चलो मान लिया आपने किसी तरीके से उन्हें एग्री कर लिया, उन्हें मना लिया, लेकिन उसके बाद आप इतनी बड़ी जनता जनार्दन को देश की कहाँ बिठाओगे, कैसे बिठाओगे? ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। देन एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुँचना, अब मान लो किसी तरीके से आपने बिठा भी लिया तो वहाँ पे एक डिसीजन पर पहुँचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, तो किसी एक टॉपिक पर, किसी एक चीज़ पर डिसीजन ले पाना इतनी बड़ी जनता के साथ पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या लिया जाता है, इस वजह से आपका जो डेमोक्रेसी का फॉर्म लिया गया है इस समय, वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉर्म लिया गया है। आई बात समझ में? आई होप बात समझ में आ गई होगी। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, मान लो द डिसीजन, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, अब मान लो उनके पास टाइम ही नहीं है, कह रहे हैं मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ मैं नहीं आने वाला, ठीक, मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ मैं नहीं आने वाला, तो अब वो आएंगे नहीं, तो अब उनके लिए रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, वो कहेंगे अरे आप अपना समझ लीजिएगा। तो अब जब जो टाइम ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि सबको साथ लेकर के चला जा सके। चलो मान लो किसी तरीके से वो आने को तैयार भी हो गया, द डिज़ायर और टाइम, द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन दी ऑल डिसीजन, तो अब मान लो उनके पास स्किल ही नहीं है, उनके पास स्किल ही नहीं है डिसीज़न लेने की, तो क्या इस डिसीज़न ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना पड़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लोगों के पास क्या है, टाइम नहीं है। ठीक है, लोग इतनी बड़ी जनसंख्या है कि उसे हम एक साथ बिठा ही नहीं सकते, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, इतनी बड़ी जनता के साथ बैठ करके किसी एक मुद्दे पर डिसीजन ले पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आगे की बात की जाए तो ये थी, हो गई पूरी की पूरी बात आपकी, किसकी की, डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारी क्यों जरूरी है। अब और आगे ब्रॉडर मीनिंग की बात की जाए तो देखो, डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी की अब हम बात करेंगे। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी, कि हम कैसे डिफरेंस करेंगे डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी में। ठीक है, एक नंबर लाना और एक बहुत अच्छा नंबर लाना अलग बात है। ठीक है, आप पास होना चाहते हो, ठीक है, आप हाई स्कूल में चले गए हो, आप नाइन्थ में चले गए हो, आप पास होना चाहते हो, पास तो आप हो ही जाओगे, 45-55% मार्क्स लाए आप पास हो गए। ठीक है, लेकिन एक गुड मार्क्स की बात की जाए तो 95, 90, 99, 98, ये गुड मार्क्स हैं। तो अब आप कैसे कंपेयर करोगे, इसी तरीके से अब ये कंपेरिजन हो गया ना नंबर के अकॉर्डिंग, कि हाँ ये गुड है, ये वेरी गुड है। ठीक, उसी तरीके से आप डेमोक्रेसी में कब देखोगे कि हाँ ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है, ये गुड डेमोक्रेसी, मतलब एक खाना पूर्ति नहीं करना है। जैसे आपको घर वालों ने, आप बहुत देर तक मोबाइल चला रहे हो, आपको घर वालों ने बोला कि बेटा पढ़ लो, अब आपने पढ़ने के नाम पे, खाना पूर्ति करने के नाम पे आपने क्या किया, कॉपी खोली ऐसे खोल के बैठ गया, वो तो काम हो गया कि हाँ भैया बच्चे, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, आप केवल बुक खोल के बैठे हो, यानी आप एक क्या कर रहे हो, एक खाना पूर्ति कर रहे हो। और पढ़ने का मतलब क्या, घर वालों को बोलना ना पड़े, आप बैठ करके मन लगा करके पढ़ रहे हो और इन रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये गुड डेमोक्रेसी से अगर इसको लिया जाए तो ये बहुत अच्छी, आपने वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। तो खाना पूर्ति करना और मन लगा करके काम करना बिल्कुल अलग चीज़ होती है। उसी तरीके से डेमोक्रेसी में भी क्या होता है, एक डेमोक्रेसी अलग चीज़ हो जाती है और एक गुड डेमोक्रेसी अलग चीज़ होती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, हाँ चलो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जो रूलर्स हैं वो पीपल्स के थ्रू इलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये खाना पूर्ति हो गई कि हाँ इलेक्ट हो रहे हैं, अब जो रूलर आ रहे हैं वो मन लगा के काम ही नहीं कर रहे हैं, वो स्टेट की डेवलपमेंट में या कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो क्या है, वो केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हाँ एक जो कह सकते हो कि मिनिमम फीचर्स हैं उनको पूरा कर लो, बाकी कहानी खत्म। ठीक है, मिनिमम फीचर्स जो हैं
उनको कंप्लीट कर लो, बाकी कहानी खत्म है, उसके बाद हम कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, गुड डेमोक्रेसी की बात की जाए तो ऐसी गवर्नमेंट आए जो स्टेट के डेवलपमेंट में, लोगों के डेवलपमेंट में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, उनके बारे में सोचे, तो वो कैसी डेमोक्रेसी कहलाएगी, गुड डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो अब इसके बीच में हम डिफरेंस कैसे करेंगे और इसकी जो ब्रॉडर मीनिंग है उसको कैसे समझेंगे, तो अब हम उनको कुछ टॉपिक्स के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग पढ़ने क्या वाले, कि एक डेमोक्रेसी क्या है और एक गुड डेमोक्रेसी क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब हमने आपको बता दिया कि हाँ, सारी खाना पूर्ति कर दी जाए, जो आपके आपका जो डेफिनेशन कहता है, जो आपके फीचर और मेरिट या डीमेरिट जो कहते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग पूरा सेटअप कर दिया जाए, तो हाँ ठीक, डेमोक्रेसी, ये खाना पूर्ति डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी केवल और केवल उन चार शब्दों में ही सिमट कर नहीं रह गई है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीने का तरीका है। ठीक है, डेमोक्रेसी को हमें जीना है, ना कि डेमोक्रेसी उन चार शब्दों में सिमट के रह गई। डेमोक्रेसी की बहुत ब्रॉडर मीनिंग है, उन चार शब्दों में रह करके हम डेमोक्रेसी को कह सकते हो कि नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को समझना है तो उसकी एक ब्रॉडर मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो उसी बात को हम लोग समझने वाले हैं कि एक डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डेमोक्रेसी को अब हम समझते हैं तो डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन दी गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है, एक केवल गवर्नमेंट ही नहीं है। ठीक है, मैंने बताया ना कि वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, डेमोक्रेसी को एक केवल गवर्नमेंट समझना सही नहीं है, डेमोक्रेसी क्या है, एक वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन दी गवर्नमेंट की क्या है, गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन उसके अलावा डेमोक्रेसी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपल है। ठीक है, जो हमें जीने का तरीका बताती है। ठीक है, और डेमोक्रेसी को हम जहां चाहे वहां सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बात की जाए, यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई हैं, उनको बात की जाए, तो आर डेमोक्रेसी डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसल्ट ऑफ ऑल दूज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। अब क्या है, यहाँ डेमोक्रेसी को हम क्या बोल, एक प्रिंसिपल लेकर के चल रहे, केवल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर नहीं चल रहे। अब डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में यही डिफरेंस है। अगर केवल डेमोक्रेसी की बात की जाए, ठीक है, आपने रूलर्स को इलेक्ट कर लिया, रूलर्स ने रूल क्या करने के लिए रूल कर रहे हैं, उन्होंने कोई कानून बना दिया, उन्होंने आपके लिए वो सही है गलत है कोई डिसीजन नहीं लिया, चुपचाप उसने क्या किया, आपका रूल बनाया और उसने लागू कर दिया, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, यह कह सकते हो कि ये हाँ ठीक था, एक सारी चीज़ें तो डेमोक्रेसी के अंडर में हुई, फीचर्स के अंडर में हुई, लेकिन अब जो उन्होंने काम किया है वो डेमोक्रेटिक काम नहीं किया है। तो यही है बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ सबसे सिंपल सी बात बताई जा रही है, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन, कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कंसल्टेशन इन्वॉल्व होता है, यानी जो मेजर डिसीजन होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू लिए जाते हैं, लेकिन वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं, वो चार लोग पांच लोग यानी पूरी पार्लियामेंट के सामने बैठते हैं, उसमें विचार विमर्श होता है, उसके पक्ष विपक्ष की बात की जाती है, जो जो इससे अफेक्ट होने वाले हैं उनके बारे में सोचा जाता है, तब जाकर के किसी डिसीजन को लिया जाता है। क्या किया जाता है, तब जाके किसी डिसीजन को लिया जाता है, और ये जो चीज़ें हैं ये एक गुड डेमोक्रेसी को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, देन दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बात है कंसल्टेशन की बात है, गवर्नमेंट बाई कंसल्ट की जो बात है, इसको आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फैमिली और किसी भी गवर्नमेंट पे क्या कर सकते हो, ईजिली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो बात है कंसल्टेशन की, ये आप किसी में भी ईजिली अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो वो डिसीजन लिया जा रहा है तो अकेले कोई नहीं डिसीजन ले रहा है, सब लोग मिलकर के डिसीजन ले रहे हैं, तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक सेटअप हो गया। तो डेमोक्रेटिक और गुड डेमोक्रेटिक सेटअप हो गया। तो गुड डेमोक्रेटिक सेटअप में यही होता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो पहली चीज़ तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास है ही है, लेकिन वो भी अकेले डिसीजन पूरा नहीं ले रहा है, वो सबकी सहसम्मति से डिसीजन ले रहा है, जो इस डिसीजन से अफेक्ट होने वाले हैं उनके बारे में सोच करके डिसीजन ले रहा है। और ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी फैमिली पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में, आगे क्या है, थस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। और डेमोक्रेसी क्या है, एक प्रिंसिपल है जिसे हम किसी भी लाइफ के किसी भी स्फीयर में क्या कर सकते हैं, अप्लाई
कर सकते हैं, ठीक है, लाइफ के किसी भी स्फीयर में हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये पहली बात जो पहली हम लोगों ने की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट बात क्या बताई गई डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच में, कि समटाइम वी यूज़ द वर्ल्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। ये क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी मतलब समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी को नॉट बी डिस्क्राइब एनी एग्जिटिंग गवर्नमेंट, कोई भी एग्जिटिंग गवर्नमेंट है यानी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं करते, यानी डेमोक्रेसी को हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, उस जो रिप्रेजेंट में गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं करते, बट टू सेटअप एन आइडियल स्टैंडर्ड डैट ऑल डेमोक्रेसी मस्ट एम टू बिकम, बल्कि क्या करते हैं एक आइडियल, ठीक है, स्टैंडर्ड को सेटअप करते हैं, ठीक है, बल्कि डेमोक्रेसी टर्म का यूज़ हम एक आइडियल स्टैंडर्ड को सेटअप करने के लिए करते हैं। क्या बताया गया है कि डेमोक्रेसी को हम लोग कभी कभी केवल एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बल्कि एक आइडियल सेटअप को, एक आइडियल स्टैंडर्ड को सेटअप करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं यूज़ करते हैं। ठीक, आगे की बात की जाए तो ट्रू, अब इसी की बात को और अगर एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझा जाए, एक आइडियल सेटअप अगर देखा जाए तो वो क्या हो सकता है, द ट्रू डेमोक्रेसी कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। कि अब यहाँ पे क्या कर दिया, एक आइडियल स्टैंडर्ड सेटअप कर दिया गया है, एक प्रिंसिपल सेटअप कर दिया गया है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक खाना खाने के बाद ही सोए, यानी खाना खाने के बाद सबको भोजन प्राप्त हो, कोई भूखा सोए नहीं, जब सबको खाना मिलेगा सब खा करके ही सोएंगे, ठीक है, तब हम मानेंगे कि हमारे देश में एक गुड डेमोक्रेसी है। तो ये क्या है, एक डेमोक्रेसी ने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड आइडियल सेटअप किया है कि हाँ हमारे देश की डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब क्या है, मतलब हमारे देश में डेमोक्रेसी तभी सही मायने में अच्छी होगी जब वहाँ का प्रत्येक नागरिक खाना पाएगा, प्रत्येक नागरिक को भोजन प्राप्त होगा और प्रत्येक नागरिक रात को जब सोने जाएगा तो खा करके ही सोने जाएगा, यानी उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाना होगा। आई बात समझ में, आई हो बच्चों यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात की जाए तो इट इनेबल अस टू जज, ठीक है, इट इनेबल अस टू जज एन एग्जाइटिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट वीकनेस। और अब क्या होता है, एक गुड डेमोक्रेसी इस तरीके का क्या बना लेती है, स्टैंडर्ड बना लेती है, एक प्रिंसिपल बना लेती है, और इसी स्टैंडर्ड में जब कोई भी डेमोक्रेसी आती है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसे क्या करना चाहिए, इस स्टैंडर्ड को फुलफिल करना चाहिए, इस स्टैंडर्ड को फुलफिल जब वो करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी गुड है कि बैड है, ठीक है, कि केवल खाना पूर्ति चल रही है। तो वही बात यहाँ बताई गई, इट इनेबल अस टू जज एन एग्जाइटिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इफ इट्स वीकनेस। इस तरीके का जब आइडियल स्टैंडर्ड सेटअप हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं, हम डेमोक्रेसी को जज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या उसकी वीकनेस है उसको भी चेक कर सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं। आई बस समझ बच्चों क्या पढ़ा, कि ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी कि डेमोक्रेसी को हम केवल क्या लेकर चलते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर के नहीं चलना बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रिंसिपल को लेकर चलना है, जिसमें हमने देखा कि जो भी गवर्नमेंट गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जो भी डिसीजंस लेती है वो बिल्कुल सभी के साथ मिल करके सभी के मतलब सभी की जो भी जो डिसीजन ली जा रहा है, जो उस डिसीजन से क्या होगा अफेक्टेड होगा उसके बारे में सोच करके डिसीजन लेती है, ठीक है, और यह जो डिसीजन का ये जो पर्टिकुलर हमने प्रिंसिपल अडॉप्ट किया, ये प्रिंसिपल हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और फैमिली पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये बात देखिए, फिर उसके बाद सेकंड इसके फीचर की बात की जाए, सेकंड अगर इसके फेवर में जो बात कही गई है, सॉरी इसके डिफरेंसेस के बीच में जो बात कही गई है वो क्या है, वो ये बताई गई है कि जो डेमोक्रेसी है उसको हम लोग कभी कभी केवल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं बल्कि क्या एक आइडियल स्टैंडर्ड के लिए भी यूज़ करते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है। तो अब इसका एक एग्जांपल लिया गया है कि आइडियल स्टैंडर्ड का डैट मीन्स मतलब एक स्टैंडर्ड इस तरीके बना लिया जाए कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोएगा, ठीक है, भूखा नहीं सोएगा। तो अब ये क्या है, एक आइडियल स्टैंडर्ड हो गया, तो जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आएगी वो इस आइडियल स्टैंडर्ड को, ठीक है, इस आइडियल स्टैंडर्ड को क्या करेगी, फुलफिल करेगी, और जो भी गवर्नमेंट इस आइडियल स्टैंडर्ड को फुलफिल करती है नहीं करती है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस गवर्नमेंट की वीकनेस को भी पहचान सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ बच्चों, नेक्स्ट इसकी बात क्या बताई गई है, इट हेल्प अस डिस्टिंग
इट हेल्प अस टू बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। और ये क्या कर सकती है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, हेल्प करती हैं एक डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस करने में। आई होप बच्चों यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात की जाए तो डेमोक्रेसी एंड इट्स स्कोप, डेमोक्रेसी और उसके स्कोप की अगर हम बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके यहाँ पर यानी आप देखोगे कि किसी भी कंट्री में जहाँ पर भी डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई है तो कहीं पर जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल एक कह सकते हो कि परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, हर डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। ठीक है, परफेक्ट डेमोक्रेसी कहीं पर भी नहीं है। तो उसी की बात अगर की जाए तो स्कोप की बात की जाए, डेमोक्रेसी की बात की जाए तो नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, कि कोई भी कंट्री जो है उस वो परफेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, तो इसके इस बात को साबित करने के लिए कुछ बातें हम कर सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ओनली द मिनिमम कंडीशन, कि क्या करती है डेमोक्रेसी हमें क्या करती है, एक मिनिमम कंडीशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक क्या करती है डेमोक्रेसी, एक मिनिमम कंडीशन प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि एक वो कह सकते हैं कि एक मिठाई है आप, मतलब कि अलादीन का चिराग है डेमोक्रेसी, उसको आपने घिस दिया, जिन निकलेगा, जो आप इच्छा करोगे वो आपका पूरा हो जाएगा। नहीं, बस डेमोक्रेसी क्या है, आपको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करती है जिन कंडीशंस पे चल करके आप क्या कर सकते हो, डेमोक्रेसी को गुड और बैड दोनों कर सकते हो। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथ डेमोक्रेटिक फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब क्या है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, हमारे एफर्ट से, ठीक है, हमारे स्ट्रेंथ से, डेमोक्रेटिक फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें हमें क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक्स। जो सिटीजन्स होते हैं वही क्या करते हैं, देश को लेस और मोर डेमोक्रेटिक बनाते हैं। यानी यहाँ पे पूरा का पूरा रोल किसका होता है, सिटीजन्स का होता है, देश के नागरिकों का होता है कि वो अपने एफर्ट से क्या कर सकते हैं, देश को लेस डेमोक्रेटिक और मोर डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या बात की गई है, द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू। कि जो डेमोक्रेसी है उसमें केवल जो रूलर कर रहा है उसी पर डिपेंड नहीं होती है सारी चीज़ें, जनता क्या कर रही है। ठीक है, व्हाट द रूलर डू, रूलर क्या कर रहा है वो नॉट जस्ट एंड व्हाट द रूलर डू, केवल डिपेंड ये नहीं करता है कंट्री में कि रूलर क्या कर रहा है, बट ऑन वॉट वी सिटीजन्स डू, ये उस पर भी डिपेंड करती है डेमोक्रेसी कि जनता क्या कर रही है उस देश की। ठीक है, केवल पूरी की पूरी जिम्मेदारी रूलर्स की ही नहीं होती है बल्कि जनता जनार्दन की भी होती है। दिस इज वॉट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। और ये जो भी कुछ फीचर्स हम लोगों ने पढ़े ये तो हो सकता है और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में हमें मिले भी ना। तो यहाँ पर क्या बताइए कि पहली चीज़ तो बताइए कि डेमोक्रेसी कहीं की भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी हमें एक क्या करती है, मिनिमम कंडीशन अप्लाई प्रोवाइड करती है, हमें क्या करते हैं पार्टिसिपेट करने का मौका देती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हो। सिटीजन्स ही क्या कर सकते हैं, अपने डेमोक्रेसी को लेस और मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। और सिटीजन्स जो डेमोक्रेसी होता है इसमें केवल रूलर्स के द्वारा की गई सारी बातें ही मेन नहीं होती है बल्कि सिटीजन्स क्या कर रहे हैं उससे भी डिपेंड करता है कि आपकी डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी है कि खराब है। ठीक, तो ये क्या हो गई बच्चों बात, आपके डेमोक्रेसी की बात हो गई कि डेमोक्रेसी जो है वो आपकी कब पर, मतलब कह सकते हो कि हर समय परफेक्ट नहीं है बल्कि वो क्या करती है, एक आपको क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है। उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप सारी चीज़ों को फुलफिल करते हुए चलोगे तो आपकी डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, एक परफेक्ट डेमोक्रेसी हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो बच्चों इसी के साथ आपका यह जो चैप्टर था और यह जो लास्ट टॉपिक था वह होता है समाप्त। आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अगर चैप्टर पूरा चैप्टर होल चैप्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया हो, आज का टॉपिक क्लियर हुआ हो, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि द रेज इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।